यस सर, मारिए सर। यस आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है सर। हमारा क्या, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल में, स्कूल वाले प्रिंसिपल में कौन सा था, पीएल या पीएलई? पीएल। तो हमारा हो ये पीएल, तो पीएलई प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, वो हमसे किसी भी क्वेश्चन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोलेगा या फिर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोलेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, पर पहले छोटी सी बात समझना। जैसे आपसे एक क्वेश्चन होता था कि यार साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बचपन में आपने याद करी होगी साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। पर मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता था आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो एक चीज बताओ, अब क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा हूं ना कि x की वैल्यू बताओ, तो ये x की वैल्यू इन शॉर्ट क्या ही है, पहले आप कैसे लिखते हैं इसे मैं बताता हूं। पहले आपको 1/2 पता होना चाहिए कि साइन में क्या होना चाहिए, तो साइन x इक्वल टू साइन 30 डिग्री। क्लियर, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो इसे बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जरूरी नहीं है एक आंसर आए, वो आपको अलग से ये बताएगा, देखो जी x की वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में है, ये सारी वैल्यूज बताओ जो इनके बीच में लाई करती हैं। तो हमारे को क्या होगा, ये सब निकालना आना चाहिए कि कैसे करते हैं। अब 30 डिग्री तो हमारे को याद है, पर अगर मैं आप सभी को बताऊं तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी, या ये कहा जाए साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, मतलब यानी कि एक्स की वैल्यू तो फिर 150 डिग्री भी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। अब ये कैसे बोल रहा हूं मैं 150 डिग्री, तो एक बार सॉल्व करके बताता हूँ। जैसा हमने एक बार एक क्लास में सीखा था, जिसकी आज हम रिवीजन भी करेंगे और बहुत सारी अच्छी तरीके से पकड़ भी बनाएंगे, हो सकता है मैं कंटिन्यू में कुछ और क्लासेस लगातार लूं कल परसों भी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में गैप नहीं लिया जा सकता। जरा समझते चलना, क्या मैं 150 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। अब ये वाली चीज मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा आज, पर 180 माइनस 30 कोई गलत तो नहीं लिखा, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन का साइन रहेगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, यानी कि एक्स की वैल्यू 150 डिग्री भी होनी चाहिए। यस और नो? यस सर। ऐसे तो फिर अगर मैं आपसे बात करूं ना, साइन 390 डिग्री की भी वैल्यू 1/2 होती है, अब समझ लो ऐसे कितने एंगल आप निकाल दोगे। तो इन सारे एंगल्स को निकालने के लिए यूज होता है जनरल सॉल्यूशन का। किसका यूज होता है, जनरल सॉल्यूशन का। तो आज का जो हमारा असली कॉन्सेप्ट होगा वो हमारी एक्स की वैल्यू, जो इनडायरेक्टली ट्रिगो में जो हम सीधा चलते थे आज उल्टा चलना सीखेंगे। मतलब वो हमसे ये कहेगा, टेन एक्स इज इक्वल टू अगर 1/√3 है तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी होगी, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर वो हमारे को एंगल में कुछ नहीं देगा तो हम समझ जाएंगे कि x की वैल्यू 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में बताना है, या इसी को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री से x की वैल्यू 2 पाई के बीच में बतानी है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? जैसे कि अब मैं आप क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले दिन की पहली क्लास में सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री के, आज फिर से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ रहेगा इसी से लिंक है। जैसे कि सभी को दिख रहा है मैंने क्या करा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, याद है, एक्स नॉट वाई नॉट, कार्टेशियन प्लेन। तो जहां एक्स लिखा हुआ है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, एंगल घूमते घूमते इस तरीके से, एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लियर है? एंगल जैसी एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो यहां तक पहुंचते पहुंचते वाई की जगह क्या लिखूंगा, बोलो, 90 डिग्री, और आगे चलते चलते कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और आगे चलते चलते कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, और आगे चलते चलते कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। आज की क्लास ये समझ लीजिए, जो ट्रिगो की आपकी थोड़ी बहुत पकड़ नहीं बन पाई थी, आज बहुत अच्छी वाली पकड़ बन जाएगी अब आपकी। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ।
यस सर। चलिए तो सभी ध्यान दीजिएगा, क्वार्टर, क्वार्टर सुना है ना किसे बोलते हैं, क्वाड्रेंट, चौथाई हिस्सा। तो यानी कि क्वार्टर से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट सॉल्यूशन भी देंगे आपको। जैसे कि 180 डिग्री प्लस थीटा, सोच समझ के बोलना कौन सा क्वाड्रेंट है। अगर मैं 180 डिग्री में, जो आपको ये दिख रहा है 180 डिग्री जिसे मैं मार्क कर रहा हूं इस वक्त, डन दिख रहा है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में अगर मैं कोई भी चीज ऐड करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट की तरफ झुकेगा मामला, थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात किसको समझ नहीं आई है, थर्ड क्वाड्रेंट क्यों बोला दीदी ने। चलो दोबारा से करते हैं, 90 डिग्री में प्लस करा, 90 डिग्री प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री में माइनस करा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। 360 डिग्री में माइनस करा, कौन सा क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ, 360 में माइनस करने से फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक क्लियर है, Yes, sir. यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आर्यन, आर्यन, हाँ जी सर। 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ, फोर्थ। यानी कि आपको क्लियर होगी ये वाली बात, यस और नो हो गई सर। अब जैसे कि क्वाड्रेंट में जाने से फर्क क्या पड़ेगा ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हमने एक क्लास में ये भी सीखा था, एड शुगर टू कॉफी, या फिर एक स्टेटमेंट और याद करी थी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ना कि सिनेमा, फिर कोचिंग भी बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। पर मेन है कि स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, आफ्टर स्कूल टू, क्या कह रहे हो सर, यहाँ तो ना स्कूल जा रहे ना सिनेमा जा रहे, कोचिंग वो भी पता हो ऑनलाइन पढ़नी पड़ रही है, बच्चों का तो मतलब बेड़ा गर्क हो गया है। कुछ हद तक दोस्तों से मिलते थे, मजे लेते थे, क्यों जी आएंगे, ये दिन भी लौट के आएंगे। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ग्रीन मार्कर से जो मैं अब लिख रहा हूं, ए से मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव साइन। अब ये धीरे धीरे हमारे को याद करना पड़ता है, एस, एस से मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर्स आर नेगेटिव साइन, अदर्स आर, अदर्स क्या होते हैं, अदर्स नेगेटिव साइन होते हैं। जैसे कहने मतलब अदर्स में कौन कौन बचा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है सर, टेन और कॉट, टेन और कॉट, क्यों, टी से मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट, बाकी अदर्स नेगेटिव साइन होते हैं, अदर्स। और अदर्स में कौन कौन बचे, कौन कौन बचे, बताओ 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 कौन कौन बचे, साइन, कॉस, साइन, कोसेक, cos और sec, क्लियर है, बोलो हाँ। c, c से मतलब cos, cos का उल्टा sec, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर्स क्या होते हैं, नेगेटिव। मेरे क्वेश्चन को सभी ध्यान से सुनते चलना आप जरा, ठीक है, रेडी, चलो। कौन कौन पॉजिटिव है, बस ये क्वाड्रेंट में ना आगे बताना पॉजिटिव साइन कौन कौन है, सबको दिख रहा है, हाँ जी, ये रहा, अब दिख रहा है सभी को, यस सर, हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर। तो पहले मैं बताऊंगा, क्या आप सभी तैयार हैं। जैसे कि 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, तो मैं दो ट्रिगो बोलूंगा, राइट, तो 180 प्लस में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, 180 प्लस पहले माइंड में आना चाहिए, पहले माइंड में आना चाहिए कौन कौन, पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट, टेन और कॉट, टेन एंड कॉट। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ, यस सर, अक्षय, यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक,
चलिए मैं अब जरा पहले मिटो देता हूँ, तुम चिटिंग करोगे बनना रेडी। हाँ जी अब बताओ अक्षय। यस सर। अब बताओ साइन और कोसेक। ठीक है अनन्या। यस सर। थर्ड सर टेन और कॉट। अच्छा गलत है साइन और कोसेक। नहीं नहीं सर मैंने थर्ड गलत हो गया। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा सर। सही में मैंने क्वेश्चन नहीं देखा सर। हो गया सर। हरिद्वार वाले गलत हो गए। हरिद्वार वालों को नहीं आता कुछ भी सर। हरिद्वार वाले नाम बोल रहे मेरा। सर रुक जाओ। क्या रुक जाओ सर। रुक जाओ सर। रुक जाओ। कौन सा क्वाड्रेंट है ये बताओ। सेकंड। अब सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक बताओ। चलो जी नहीं सर मैंने ना थर्ड क्वाड्रेंट। कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। हाँ जी दिल्ली वाले कौन कौन है। दिल्ली दिल्ली आर्यन इब्रा। तो आर्यन और इब्रा आंसर देंगे पहले। तो पहले इब्रा। इब्रा यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट। अरे दीदी बहुत फास्ट हो। पहले कौन सा क्वाड्रेंट है सर। फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक। कोस और सेक। और आर्यन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सेक। वेरी गुड। बताओ जी भैया आज ही आए तब भी समझते। और हरिद्वार वाले बताओ कि पहले दिन से पढ़ता है तब भी ये चीज। आहो क्या होगा सर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था सर। चलिए तो अभी फिर से पूछा जाएगा हरिद्वार वालों से। गाजियाबाद वाले रेडी हैं। शिवम स्पर्श रेडी है। अब मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं जरूरी है क्या। No, sir. तो मैं बदल दूं। मैं ब्लैंक स्क्रीन से पूछूं आप सभी से क्वेश्चंस। क्या आप सभी तैयार है। बोलो हाँ yes, बोलो yes, हाँ। चलिए yes, तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ। 180 डिग्री प्लस थीटा ठीक है। कौन कौन पॉजिटिव होता है। फिर कौन कौन नेगेटिव साइन होता है ठीक है। ये बाद में पूछूंगा। डन। पहले द्वारा समझते हैं। हाँ जी स्पर्श। यस स्पर्श आंसर। यस सर टेन और कॉट। टेन और कॉट थर्ड सही है। यस सर। 360 माइनस। मैं नाम लूंगा आयुष। आयुष फोर्थ क्वाड्रेंट है। वेरी गुड। टेन एंड कॉट। ओ टेन और कॉट बोला आयुष। ओ टेन और कॉट बोला आयुष। गलत हो गया। अब सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं है बेटा। कोई बात नहीं आयुष का गलत हो गया। कॉस और सेक। कॉस और सेक। बात नहीं ना कोई बात नहीं। अब डन। चलिए ओके अक्षय। अक्षय 270 प्लस थीटा कॉस और सेक। कॉस और सेक क्लियर है। बोलो हाँ कैसे कर रहा हूँ मैं ये। शिवम। यस सर। यस सर शिवम क्लियर है। 180 माइनस। यस सर। ओ 180 माइनस सर साइन और कोसेक। बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब मेरे क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से समझना जो मैं अब आप सबसे इससे पूछने वाला हूँ। मैं अब आपको क्वाड्रेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा। क्वाड्रेंट बोलूंगा। क्वाड्रेंट के बिहाफ पे कौन कौन नेगेटिव है। नहीं 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 क्वेश्चन चेंज करते हैं। मैं आपसे ट्रिग्नोमेट्री बोलूंगा ठीक है। ट्रिगो बोलूंगा एक ट्रिगो बोलूंगा तो आप ये बताएंगे कौन वो कहां 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 नेगेटिव। चलो पॉजिटिव साइन होता है। पॉजिटिव साइन होता है। डन। ट्रिग्नोमेट्री बोलूंगा आप सिर्फ ये बताएंगे कहां कहां पॉजिटिव होता है। क्या आप सभी तैयार है। बोलो हाँ। आलोक। यस सर। आलोक। यस यस सर रेडी। साइन थीटा कहां कहां पॉजिटिव होता है सर। क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में यानी हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दो जगह पॉजिटिव होता है और दो जगह नेगेटिव। तो आप सभी तैयार है। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है तो प्राची। प्राची दीदी। प्राची दीदी आवाज आ रही है। प्राची दीदी। प्राची। यस सर। यस सर। कॉस थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है
सर फर्स्ट और फोर्थ में। ओ बेटे ऐसी टेन बताना कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। सर फर्स्ट और थर्ड में। ओ बेटे कॉसेक कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और सेकंड। ओ बेटे की जान तीनों क्वेश्चन सही बोले हैं। बोलो हाँ पर अब क्वेश्चन मजेदार हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ कहाँ नेगेटिव साइन होता है ये बताना है अब आपको। क्या आप सभी तैयार है। बोलो हाँ यस सर। ठीक है अनन्या मौका मिल गया आपको। यस सर। हरिद्वार का नाम रखने के लिए मेरा बहुत मन कर रहा है क्योंकि हो सकता है मैं सैटरडे संडे मैं हरिद्वार विजिट करूं। ठीक है ठीक है सर। विवेक सर के साथ विजिट कर सकता हूं कभी भी मैं। ओके सर। ठीक है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कहां कहां होती है। कहां कहां नेगेटिव होती है सर। सेकंड और थर्ड। क्या अनन्या जी सही है। यस सर। हरिद्वार वाले सही है। सही है चलिए ओके। सेक थीटा कहाँ कहाँ नेगेटिव है। इब्रा यहाँ माइनस सर। सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में वेरी गुड। और दोबारा से कोसेक थीटा कहाँ कहाँ नेगेटिव है। क्योंकि जो मैं आज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना इसी से रिलेटेड है बहुत सारी बातें। अब क्वेश्चन करूंगा सीधा। वेट मैं जिससे पूछ रहा हूँ उसका किसका नाम। वेट इब्रा किसका नाम नहीं लिया मैंने अभी तक। किसका नाम नहीं लिया मैंने अभी तक। किसका नाम नहीं लिया मैंने अभी तक। सर मेरा मेरा नाम बोलो ना सर। मेरा शिवम। इविका। इविका और शिवम का नाम नहीं लिया। ठीक है तो पहले इविका। अरे यार इविका सर थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ ठीक है। और शिवम। यस सर। ओके कॉट थीटा। यस कॉट थीटा। हाँ सर सेकंड और फर्स्ट। ओहो जो बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं इन्हीं बातों से रिलेटेड अब क्वेश्चंस होंगे। आपको कुछ वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्या आप सभी तैयार हैं। पहले दो क्वेश्चंस मैं करूंगा नहीं होंगे तो चार क्वेश्चन आप करेंगे। क्या कह रहे हो सर। हाँ जी दो क्वेश्चन मैं करूंगा चार क्वेश्चन आप करेंगे। क्या आप सभी तैयार है। बोलो हाँ। यस सर। चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे साइन मैंने लिखा एक्स की वैल्यू 1/√2 है। डन। अब आपको जितनी भी वैल्यूज बतानी है वो 0° से लेके 360° के बीच में बतानी है। क्या आप सभी तैयार है। बोलो हाँ। यस सर। चलिए तो सबसे पहले जो वैल्यूज आपको याद होती है जिस एंगल में पहले वो लिखो। जैसे साइन में ये कौन से एंगल में वैल्यू होती है 1/√2 कौन से एंगल की वैल्यू है। 45 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब वेट। अब ऐसे बनाना है आपको पहले डायग्राम साइड में कॉपी पेन लेके बैठना तसली से समझना है आप सभी को। साइन यहाँ पे पॉजिटिव है ना कहीं भी नेगेटिव साइन तो नहीं दिख रहा आपको। अब वेट तो साइन SIN साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है बताओ बताओ। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है। बोलो हाँ। अब मेरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना। आपको 180 और 360 का ही यूज करना है। ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर डायरेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने बताया एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 45 ऑलरेडी आता है तो x = 45 डिग्री डायरेक्ट हो गया। क्योंकि देखो 45 डिग्री जब मैं बनाऊंगा तो यहां बनेगा ना। बोलो हाँ। एंड सेकंड क्वाड्रेंट अब जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं करने जा रहा हूं। सभी ध्यान दीजिएगा नहीं समझ आए तो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। sin x = sin सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए यहां पे 90 है और यहां पे 180 है। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे जा रहे थे आप। 180 माइनस करके जा रहे थे या तो है ना भाई। 180 में अगर मैं कुछ माइनस करूंगा तो या फिर 90 में प्लस करूंगा तो याद है। बोलो हाँ। यस सर। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करूंगा। 180 प्लस या 270 माइनस। यही 270 माइनस है 180 प्लस। दोबारा से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करूंगा। 270 प्लस या 360 माइनस। पर अब मेरे शब्दों को ध्यान देना। आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे 180 या 360 का ही यूज करेंगे। सिर्फ 180
या 360 का ही यूज करना। रीजन पता है क्यों? क्योंकि इनसे चेंज नहीं होता, और ये बात मैंने अभी बताई नहीं है पर मैं बताऊंगा दोबारा से। 180 और 360 का ही यूज करना है, का ही यूज करना है। अब वेट, दोबारा से क्वेश्चन पूछूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 माइनस, मैंने कहा 180 और 360 का ही यूज करना है। अब अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट कहां पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 माइनस, तो मैंने 180 माइनस क्यों करा, ये बात क्लियर है, बोलो। हाँ, एक्स इक्वल टू 135 डिग्री बाय डिफॉल्ट आ गया, समझ आया? अब सुनो, अभी नहीं आएगा समझ, आपको दो से तीन क्वेश्चन करने के बाद समझ आएगा। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। अब जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, माइनस के मैंने 1/√3 लिखा है। अब पहले माइंड में पिक्चर बना लो, टेन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, जाने के लिए क्या करोगे? 180 माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 360 माइनस। जो बातें आज मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूँ ना, 12th क्लास के किसी भी बच्चे से पूछने ना, वो भी नहीं बता पाएगा। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। जैसे कि 10x is equal to minus को पहले ऐसे रहने देते हैं, पहले 1/√3 किसी एक की वैल्यू होती होगी जरूर। 1/√3 10 में किस एंगल की वैल्यू होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। 30 डिग्री, बोलो हाँ। अब सभी ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना दो आंसर आएंगे अभी आपके, ये तीर आपको नहीं मारने हैं, समझाने के लिए है आपको। अब 10x is equal to minus को हटाने के लिए, 10x is equal to minus को हटाने के लिए, देखो माइनस गायब कर दिया ना मैंने और ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि मैं क्वाड्रेंट का यूज करूंगा इस वाले पोर्शन का। क्लियर है? ये रफली वर्क देखो क्या करूंगा मैं इसमें, जो मैंने अभी बताया था, आपने ही बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करूंगा, 180 माइनस, 30 डिग्री, और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 360 माइनस क्या 30 डिग्री। आया 30. समझ? यस सर। आया। यस सर। अब वेट, तो एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा, 150 डिग्री सॉल्व करके, एंड एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा, 330 डिग्री, मतलब 330 डिग्री पे भी वैल्यू -1/√3 आएगी, और 150 डिग्री पे भी वैल्यू -1/√3 आएगी। चलो जैसा कि आप सभी कह रहे होंगे कि सर बताओ करके दिखाओ, चलो करके दिखाता हूँ। जैसे 150 डिग्री है, हमने लास्ट क्लास सीखा था 180 माइनस, ऐसे लिख सकता हूँ खुद से, बोलो हाँ, बोलो हाँ। yes, अब 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव लगाएंगे, 10 का 10 रहेगा और 30 डिग्री। ओ बेटे की जान, सेम आंसर आया है, बस पहले हमने ऐसे सीखा था पहली क्लास में। आर्यन आप सुनते चल रहे हो ना मेरी बातों को, पहली क्लास में हमने ऐसे चलना सीखा था, पर आज की क्लास में हमने ऐसे चलना सीखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? आ रहे सर। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि कितनी क्लासेस होने के बाद भी आपको मेरी ये वाली क्लास समझ आ रही है, वो भी सबसे टिपिकल क्लासेस में से होती है ये। वही वाली बात है ना, अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, समझ क्यों नहीं आएगा। चलो ठीक है, थैंक यू, तारीफ ज्यादा मत करो। चलिए क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओके, तो चलो आप अपने हो इसलिए मैं दूसरा एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। sec x - 2 sec का cos बनाना है, बना लो वरना टेंशन पा लोगे। cos x अगर यहाँ लिखूंगा तो -2 का क्या हो जाएगा, -1/2। हालांकि ये बात मैं किसी को बताता नहीं हूँ, आप अपने हो इसलिए मैंने आपको भी नहीं बताई, देखा।
तो cos x क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टू। अब सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बहनें ध्यान दें, जैसे कि मैं ब्लैक से लिख रहा हूं इस वक्त, अब माइनस कोस नेगेटिव कहां कहां होता है, कोस नेगेटिव कहां कहां होता है, कोस नेगेटिव कहां सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड में, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले वेट एक मिनट सुनो सुनो सुनो, 1 बाई टू कोस में किस एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री, ये बात सही है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करूंगा, 180 माइनस। अब सुनो, कॉस गया बाहर में, हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस, और क्या थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 प्लस, प्लस। अब 180 माइनस क्या 60 डिग्री, 180 प्लस क्या 60 डिग्री, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अगर मैं इसी स्टेप को ऐसे दिखाऊं तो मैं ऐसे लिखता पहले, cos x is equal to cos के अंदर 180 minus 60 जो फॉर्मेलिटी से कहलाती, और cos x is equal to cos 180 plus 60, क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो x is equal to कितना क्या 120 डिग्री की वैल्यू होती है, और x is equal to 240 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या आप सभी को समझ आ रहा है, बोलो हाँ। yes, sir. चलिए, तो मात्र आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रहते हैं, 5 मिनट में फटाफट 4 questions करके दिखाइएगा, जिसके हो जाए वो हैंड रेस कर दीजिएगा। चारों क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे व्हाइट स्क्रीन पे काले अक्षरों के साथ, टंग 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 टंग। sin x is equal to minus k 1 by 2, cos x is equal to minus k root 3 by 2, tan x is equal to 1, cot x is equal to minus k root 3। चलिए आराम से करना, जल्दबाजी कुछ नहीं है, जिसके हो जाए वो हैंड रेस कर दीजिएगा, जिसके हो जाएं वो हैंड रेस कर दीजिएगा, और जो जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज वो भी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए एक बार, और जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाए इसका सेकंड पार्ट आज ही मैं पढ़ाऊंगा दोबारा से, वो भी देखना दोबारा से, ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। और जिसको समझ नहीं आएगा डोंट वरी, मैं दोबारा करके बता दूंगा एक बार और, ठीक है, इन्हीं चारों क्वेश्चंस को, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो आप निकाल रहे हो इनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इवैल्यूएट बोलना, सारे क्वेश्चन एक ही कैटेगरी में आते हैं। करते जाइएगा, मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ जान के, ठीक है ना, आप एक बार सॉल्व कीजिए फिर इसके आंसर्स मैच करेंगे, मात्र हमारे पास 2 मिनट 42 सेकंड बचे हैं। फिर से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा अगेन, पल दो पल का तेरा मिलना मेरी धड़कने चुराए, डर है मुझे प्यार तेरा मेरी जान ले ना जाए, इस तरह तो ओ। आ रहा है समझ, आ रहा है बोलो हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यस सर आ रहा है, सर हो गया, इब्रा का हो गया, हैंड रेस कर दीजिए तभी मुझे पता चलेगा आपके हो गए हैं। सर एक बार रिपीट कर दोगे? जी बिल्कुल करेंगे, पहले आप एक बार ट्राई कीजिए,
अक्षय का भी हो गया, आर्यन का भी हो गया, अरे वाह शाबाश, आयुष का भी हो गया, शाबाश शाबाश जी जी, करके बताऊंगा, पहले आप ट्राई करते रहिए, सारे क्वेश्चंस करके बताऊंगा मैं। स्पर्श का भी हो गया, अरे वाह। प्राची जी जी का भी हो गया, अरे वाह। अनन्या और शिवम रह रहे हैं अभी, अनन्या यस सर करके बताना है। हाँ सर ठीक है। और शिवम सर? हाँ सर पहला कर दीजिए एक बार। चलो एक बार पहला करके दिखाता हूँ, और आप सभी में से कोई सा बोलना दे, बता रहा हूँ पहली। देखो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, बोलो हाँ यस सर। अब एक मिनट फिर दोबारा से समझते हैं, साइन एक्स तो बराबर में चलता रहेगा, ये नेगेटिव था, अब नेगेटिव जो है दो जगह पे होता है साइन क्वाड्रेंट में, देखो कहाँ का नेगेटिव होता है, इसके दो आंसर आएंगे है ना, तो साइन एक्स इज इक्वल टू और साइन एक्स इज इक्वल टू, देखो कैसे। अब नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है वो बताओ, साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ, आपने बताया ये वाली बात। शिवम आपको भी समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? थर्ड और फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करूंगा? 180 प्लस।